हेलो माय लवली हीलर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जय माता दी। आप लोगों की इच्छाओं पर आज मैं एक लेटेस्ट वीडियो लेकर के आई हूं, जो आप लोगों की बहुत सारी ऐसी कॉल्स आई थी, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया था कि मैम नवरात्रि आने वाला है, आप कुछ ऐसा बताइए कि हमारी हीलिंग पावर और बढ़े, स्ट्रॉन्ग हो, जिससे कि हमारी जो हमने विश डायरी में अपनी इच्छाओं को लिखा है वो हमारी विश पूरी हो और हम अपने क्लाइंट्स की हीलिंग दें या सेल्फ हीलिंग करें तो हमारी हीलिंग से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपने सुना भी होगा, समझा भी होगा, लेकिन कभी कभी हम क्या होता है कि सुनने के बाद, समझने के बाद भी उन बातों को अपने माइंड से एकदम हटा देते हैं, उसको यूं ही अन्यथा या पुरानी परंपराएं ये सब सोच करके उसको हटा देते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं कि मैम नवरात्रि में बाल नहीं धुलना है क्या, और हमें पैर में कलर नहीं लगाना है क्या, पूरा मेकअप नहीं करना है क्या, श्रृंगार नहीं करना है क्या। लेकिन दूसरी बात, एक तरफ आप क्वेश्चन ये करते हैं कि हमें अपना मेकअप नहीं करना चाहिए, मेरे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बोलते हैं कि नहीं आपको नया ड्रेस नहीं, नई साड़ी या नए कपड़े नहीं पहन सकते हैं, पैर में कलर या नेल्स कलर पेंट नहीं लगा सकते हैं। फिर दूसरी बात कि दूसरी तरफ आप जिस माता को दुर्गा माता बोलते हैं उनको चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार का आप सामान लेकर आते हैं, चढ़ाते हैं, उनको चुंदरी चढ़ाते हैं, फ्रूट्स चढ़ाते हैं, दीपक धूप बत्ती सब कुछ चढ़ा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं और माता को सब कुछ दे रहे हैं आप, लेकिन आप अपने लिए नहीं करोगे तो ये ठीक है या नहीं है, आप खुद भी सोच सकते हैं। अगर एक नॉर्मली बात को लेकर चलते हैं सबसे पहले कि हम घर में हैं तो अगर हम अपने माता को भरपेट भोजन दें, उनको साफ़ सुथरी अच्छी ड्रेस दें, फल फ्रूट सब कुछ खाने पीने को दें, उनकी पूरी तरह से सेवा करें, श्रृंगार करने के लिए भी दें और हम खुद उदास बने रहें, सादे बने रहें, तो ये कैसा है? कहीं से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी क्या? नहीं होगी ना। तो उसी तरह से नवरात्रि में जो आपके अंदर ब्लॉकेज है, कहीं सुनने को आया है आप लोगों को, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले कि आपको खुद नवरात्रि में ही क्या, अगर हमेशा हो सके तो आप हमेशा अपने फुल ड्रेस में रहिए, फुल मेकअप में रहिए, जो स्त्रियों के लिए शादीशुदा औरतों के लिए 16 श्रृंगार का जो नाम दिया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा, आप वो पूरा करिए। पूरा करते हुए आपकी जो नवरात्रि की पूजा साधना जो भी है आप करिए और आपकी हीलिंग पावर कैसे बढ़े अब हम चलते हैं उस पर बात करने के लिए। वीडियो बड़ा होगा, बहुत लोग ये भी बोलते हैं मैम वीडियो छोटा बनाइए, शॉर्टकट बनाइए, तो देखिए हर चीज़ में शॉर्टकट नहीं होता है, कुछ चीज़ों में लॉन्ग कट भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो थोड़ा सा सब्र रखा करिए और भले आप एक बार में वीडियो नहीं देख पाइए तो उसको थोड़ा थोड़ा करके दो बार तीन बार में आप उसको वीडियो को पूरा करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो वीडियो अगर बड़ा है तो या दो मिनट तीन मिनट देखा आपने फिर छोड़ दिया कि अरे वीडियो तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके सामने और भी ऑप्शन है कि आप उसको दो से तीन बार में वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी हमारी वीडियो छोटी भी बनती है लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो वीडियो अपने आप बड़ी होती ही होती है। तो यहाँ हम चलते हैं अपनी हीलिंग पावर हम कैसे और ज़्यादा बढ़ाएं, नवरात्रि में हम कैसे और ज़्यादा हील हो जाएं, चार्ज हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, और जो हमारे घर में हमारे फैमिली मेम्बर्स के पास कहीं नेगेटिव एनर्जी है या हमारे घर में है तो वो दूर हो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आप कोशिश करिए कि कालीन हो या मैट हो घर में, तो आप उस पर लेट करके हीलिंग क्या करिए, लेट करके आप बैठ करके भी कर सकते हैं, जैसे सोफ़ा है, चेयर है, आप वहाँ भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी हीलिंग मानते हैं सो करके। आपके पास कालीन है या मैट है आप उस पर लेट जाइए, और ये है एडवांस क्रिस्टल पिरामिड। तो अगर इसके पास इसका आपके पास चार सेट है या छः सेट है तो आप अपने बॉडी के चारों तरफ पहले लगा दीजिए, ठीक है, पिरामिड लगा दीजिए। अगर आपके पास ये वाला है गोल्डन पिरामिड है तो आप इसको भी लगा सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा हमारी एनर्जी बढ़ती है बहुत ज़्यादा। और जिस भी हीलर्स के पास गया है और ये जो कोरोना काल चल रहा है, मैंने ऐसे ऐसे मेथड्स बताए जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, सर ने भी बताया वीडियो में कि जब हम लेटे या कोई पेशेंट है जो कोविड को लेकर के आजकल प्रॉब्लम चल रही है उसको कालीन पर या बेड पर लेटा दीजिए और ये पिरामिड, चाहे गोल्डन पिरामिड हो आपका
ये आपके पास ये एडवांस क्रिस्टल पिरामिड है, इनमें से कोई भी पिरामिड आपके पास है तो उस पेशेंट के चारों तरफ लगा दीजिए और उसकी हीलिंग करिए। हीलिंग के बाद भी अगर वो सोया रह जाता है तब भी उसको बहुत जल्दी रिलैक्स मिलेगा, बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से वो बाहर आ जाएगा। और ख़ुद की भी आप हीलिंग पावर बढ़ाने के लिए अपने चारों तरफ इसको लगा लीजिए लेट करके। अगर आपके पास टाइम है तो आप फुल बॉडी हीलिंग करिए, टाइम नहीं है तो एक दिन एक टाइम, चाहे मॉर्निंग में या नाइट का टाइम आप ले सकते हैं, एक टाइम फ्रंट का 7 चक्रा करिए और नेक्स्ट डे आप बैक साइड 7 चक्रा करिए। लेकिन पिरामिड में लेट करके आपके पास अगर हीलिंग का स्थान है, जैसे कि हमने यहाँ पे हीलिंग का स्थान बना रखा है, तो आप बहुत सारे ऐसे हमारे हीलर्स हैं जिन्होंने खुद हीलिंग का स्थान बना रखा है और बहुत सारी उनकी वीडियो फ़ोटो आती रहती है जो टाइम टाइम से मैं अपने व्हाट्सएप पर शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपका हीलिंग का स्थान, तो आप हीलिंग के स्थान पर ही नीचे लेट करके हीलिंग करिए। अगर हीलिंग का स्थान नहीं है, आपने पूजा स्थल बना रखा जहाँ पे आपने माता जी की जोत जला रखी है, आप वहाँ पर लेट करके पिरामिड चारों तरफ अपने आसपास आप लगाइए चारों तरफ और वहाँ पर आप हीलिंग करिए। पिरामिड चारों तरफ लगा करके जब आप हीलिंग करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट हीलिंग से ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके घर में कोई एजड पर्सन है, मदर इन लॉ फादर हैं या मदर हैं, तो उनको भी इस मेथड से आप हीलिंग करेंगे तो फर्स्ट हीलिंग से ही वो बहुत अच्छा फीडबैक आपको देंगे और उनको जो गुड फीलिंग होगी, जो बॉडी पार्ट्स में रिलैक्स महसूस होगा, वो आपको अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो कोशिश करिए कि कभी किसी को लेकर के आप 7 चक्रा आप हीलिंग करिए। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और आप अपने को बहुत अच्छा पावरफुल महसूस करेंगे। आप एक काम और कर सकते हैं नवरात्रि में कि आपको ये भी ना लगे कि आपकी हीलिंग वाला काम ज़्यादा चल रहा है, आपकी साधना नहीं चल रही है। ओके सॉरी, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे दुर्गा सप्तशती साधना होती है, अगर आप शिवयोगी हैं तो दुर्गा सप्तशती साधना भी अपने हीलिंग के स्थान पे कर सकते हैं। अपने चारों तरफ पिरामिड्स लगा सकते हैं आप, या आपके पास दुर्गा माला के, दुर्गा जी के जो 32 नाम हैं, जैसे बोला गया कि दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्गतो द्वारणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमाप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गमार्प्रदा, दुर्गम ज्ञाश्रिता, तो इस तरह दुर्गा जी के 32 जो नाम हैं आप उनका भी उच्चारण कर सकते हैं। उच्चारण करने के बाद में बैठ करके आप हीलिंग करना शुरू कर सकते हैं। गुरु स्तुति होती है, गुरु स्तुति भी आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं। गुरु मंत्र अगर आपने, आप कहीं किसी भी आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं तो आप गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। नवरात्रि में जितना ज़्यादा ये सब चीज़ें करेंगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका हीलिंग का स्थान है तो आप हीलिंग के स्थान पर बैठ के करिए, बार बार जगह चेंज ना करिए। और आपने बहुत सारे ऐसे भी हीलर्स हैं जिनका क्वेश्चन ये भी आएगा कि मैम हमने तो हीलिंग का स्थान और पूजा स्थल दोनों ऐड कर रखा है, कंबाइंड कर रखा है, तो आप वहाँ भी बैठ करके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ भी ऑलरेडी बहुत एनर्जी फैली होगी तो वहाँ भी बैठ के आप कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में एक या दो लोगों ने ट्रेनिंग ले रखी है रेकी की, तो आप वहाँ ग्रुप में हीलिंग करिए। एक बार आप उनको दे दीजिए 7 चक्रा और एक बार आप अपने को उनसे ले लीजिए, तो इस तरह दोनों की प्रैक्टिस अच्छी होगी। जब किसी एक काम को हम दो लोग मिलकर करते हैं सेम टाइम में तो हमें और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। और आप ये भी कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा आपके फैमिली मेम्बर में कोई रेकी हीलर है, बेटा बेटी है, तो आप अपनी विश डायरी को भी हीलिंग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने विश डायरी रखी हुई है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं यहाँ बैठ करके अपने विश डायरी की हीलिंग करती हूँ। तो विश डायरी के ऊपर ऐसे पिरामिड रख दीजिए, आपके पास जो भी पिरामिड है, गोल्डन का पिरामिड है या एडवांस है या विश पिरामिड है या कॉपर का पिरामिड है, जो भी पिरामिड है आप अपने विश डायरी के ऊपर रख दीजिए। और रेकी एनर्जी को कॉल करने के बाद इसी तरह पिरामिड हटाना नहीं है, इस तरह हाथ करके आपको हीलिंग करनी है। 2 से 5 मिनट की हीलिंग विश डायरी के लिए बहुत है, क्योंकि ऑलरेडी ये आपके नाम से हील करके, चार्ज करके, प्रोग्राम करके ये भी किया है। और जो ये विश डायरी है
ये भी आपके नाम से हील करके, चार्ज करके, प्रोग्राम करके हम लोग आपके पास पोस्ट करवाते हैं। तो ऑलरेडी ये कंटिन्यू फ्लो में है, चार्ज हो रही हैं, हील हो रही हैं और आपकी विश भी अच्छे से पूरी होगी, टाइम से पूरी होगी। तो ये सारी चीज़ों को करते हुए आप रेकी एनर्जी को और ज़्यादा यूज कर सकते हैं। अपने गुरु प्रोफेसर मिकाव सर, जैसे माता दुर्गा को आप दीपक जला रही हैं, तो एक दीपक आप अपने गुरु प्रोफेसर मिकाव सर के लिए भी ज़रूर जलाइए। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है कि आप फुल बॉडी करिए, तो सिर्फ आप 5 मिनट की हीलिंग करिए, रेकी एनर्जी को कॉल करिए और खुद के ऊपर इस तरह हाथ को करते हुए महसूस करिए कि सफ़ेद प्रकाश से आप घिरे हुए हैं, ढके हुए हैं। और आप अपने ऊपर सिर्फ चौकोरी सिंबल, मिडास स्टार सिंबल ड्रॉ कर दीजिए और आप ये फील करिए कि सभी चक्रा पे आपका, थर्ड आई से लेकर के रूट चक्रा तक, सभी चक्रा पे आपके वो एनर्जी फ्लो हो रही है। जो आपने हाथ, अपने दोनों हैंड्स कैसे किए हैं आप, तो दोनों हाथों से एनर्जी फ्लो हो रही है और आपके सभी चक्रा में जा रही है। और आप महसूस करिए, विजुलाइज करिए कि आपके पूरे चक्रा, एक एक बॉडी पार्ट्स सब हील हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं, एक्टिव हैं और आप हमेशा मोटिवेट रह रही हैं, चार्ज रह रही हैं, खुश रह रही हैं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर ऐसी ही चीज़ें और खींच करके आएंगी, आपको ऐसे नए नए थॉट्स आएंगे हीलिंग से रिलेटेड या क्लींजिंग से रिलेटेड या कुछ भी ऐसे थॉट्स आएंगे जिसको कि आप अप्लाई करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं फिर से ही बोलूँगी कि आप अपने हिंदू धर्म के अनुसार जो बोला गया है कि स्त्रियों को, स्त्रियां क्या हैं, लक्ष्मी बोला गया है, तो आपने देखा होगा माता लक्ष्मी की फ़ोटो, माता लक्ष्मी कैसे रहती हैं, वो फुल मेकअप में रहती है कि नहीं रहती, चाहे नवरात्रि हो चाहे नहीं, वो ये तो नहीं बोलती है, कहती है ना कि नहीं अभी नवरात्रि नहीं है तो मैं सिंपल रहूँ, नहीं, वो हमेशा मेकअप में रहती है। इसी तरह कोशिश करिए कि आपको जो भी ड्रेस पसंद है, जीन्स टी शर्ट टॉप जो भी पसंद है आप पहनिए टाइम से, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपका जो धर्म है, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की जो पोशाक कैसी है, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, कि उस ड्रेस को भी कभी कभी आप पहनिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम नवरात्रि भर पहन करके देखिए और उसका जो भी आपको बेनिफिट्स मिल रहा है, जो भी आपका थॉट चेंज हो रहा है, वो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं कि हाँ, आप लोग जो जुड़े हुए हैं या जो मेरे न्यू हीलर हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर को देख रहे हैं, फ़ोन नंबर को, तो आप वो भी कनेक्ट करके मुझे बता सकते हैं। काफ़ी कुछ चेंज आपके अंदर आएगा और बीच बीच में जब भी, जो भी आप दुर्गा जी से संबंधित या माता लक्ष्मी जी से रिलेटेड आपको जो भी मंत्र साधना, गुरु स्तुति, जो भी स्त्रोत आता है, आप उन चीज़ों का बीच बीच में लीजिए। और व्रत का मतलब क्या होता है, व्रत का एक मतलब और होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम भूखे रह करके व्रत करें तभी हम हमें कोई जानेगा कि हाँ आज हम व्रत हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक तो इस तरह भी हमारी शरीर की शुद्धिकरण होती है और दूसरा हम हीलिंग के थ्रू भी अपने शरीर के, अपने चक्रा की शुद्धिकरण कर सकते हैं। तीसरा आप बोलेंगे कि मैम मैं तो ना हीलर हूँ ना मैं मेरे को व्रत रख पाती हूँ, मैं क्या करूँ, तो उनके लिए ये एक मेथड है जो कि बहुत पावरफुल है। वो उस दिन संकल्प करें कि अपनी कोई भी एक बुरी आदत या खान पान, जैसे मान लीजिए कि उनके लिए राइस खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, ओके, तो वो ये संकल्प ले लें कि आज के बाद मैं राइस जितना भी लेती हूँ उसका हाफ क्वांटिटी में लूँगी। तो कुछ भी एक ऐसी बुरी आदत है, चाहे वो किसी के लिए बद्दुआ दे रहे हैं कुछ भी, तो अपनी जो भी एक बैड हैबिट है उसको संकल्प करें, ये व्रत लें कि आज के दिन, आज के पूरे दिन में मैं एक अपनी बुरी आदत को डस्टबिन में डाल देती हूँ, ठीक है। तो जैसे, तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं या ट्रेनर रेकी हीलर नहीं हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। जो रेकी हीलर हैं उनके लिए तो प्लस पॉइंट है ही। और दूसरी बात कि नवरात्रि में आप ट्रेनिंग लेकर के और भी ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की एडवांस बुकिंग रहती है, बोलते हैं कि मैम मुझको नवरात्रि में ही ट्रेनिंग लेना है, तो और भी अच्छी बात है, बहुत प्लस पॉइंट है कि एक माता रानी का भी टाइम चल रहा है, उनका जागरण चल रहा है, उनका त्यौहार आया है, उनका एक टाइम आया है, तो इस टाइम पर भी आप ट्रेनिंग ले करके, जो लोग प्रोसेस में रखे हैं वो ट्रेनिंग ले करके आप अपनी प्रैक्टिस करिए और आपके लिए बहुत अच्छा एक गोल्डन चांस है। तो इससे आपकी हीलिंग पावर भी बढ़ेगी। और कई बार क्या होता है कि हम कई प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम रेकी शक्ति का शक्तिपात कराते हैं तो सेम डे से हमारी प्रॉब्लम दूर होने लग जाती है। और ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पिछले टाइम मैंने बहुत मेहनत किया था, बट उस समय नहीं हो रहा था, लेकिन अब वही काम मेरे इतने आसानी से कैसे होते जा रहे हैं।
तो ये सारे बेनिफिट्स हैं और नवरात्रि में इन सारे मेथड्स को यूज करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और नवरात्रि में एक काम आपको और करना है, कभी चाहे जाने अनजाने में, चाहे जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ रहीं, अगर आपने किसी को भी बद्दुआ दी है तो आप हीलिंग के स्थान में बैठ करके क्षमा याचना का सेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कई वीडियो में भी बोला है कि क्षमा याचना, अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम है या नाइट में सोने का टाइम है, तो सबसे अच्छा तो वैसे नाइट में माना जाता है। जब नाइट में आप पूजा कर रहे हैं ना माता दुर्गा की, आपने आरती कर ली है, जो उनका पाठ होता है आपने वो भी कर लिया है आपके पास, उसके बाद आप तुरंत क्षमा याचना का सेशन कर लीजिए। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ आप 5 मिनट दीजिए किसी एक ऐसे पर्सन को, एक या दो ऐसे पर्सन को लीजिए, विजुलाइज करिए कि वो पर्सन आ करके आपके सामने, आप जहाँ बैठे हैं हीलिंग के स्थान पर या पूजा के स्थान पर, वो पर्सन आकर के बैठा है। विजुलाइज करिए क्यों बैठा है, और आपको ये महसूस होता है कि आपने गुस्से में या इरिटेशन में या जब भी कैसे भी आपने उसके लिए बद्दुआ दे दी है, तो उस समय आपको उस पर्सन को बुला करके उससे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगना है। महसूस करिए कि वो पर्सन आपके सामने बैठा हुआ है और उससे अपनी अपने द्वारा हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और उसको क्षमा कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के सामने जा कर के ही क्षमा मांगें और वो पर्सन हमारे सामने आए तभी हम उसको क्षमा करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप विजुलाइज़ करके उस पर्सन से क्षमा मांग सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके बैड कर्मा जो स्टोर हुए थे, कम चाहे ज़्यादा, वो रिमूव होंगे, और जिस चीज़ के लिए आप व्रत रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दुर्गा माता की साधना कर रहे हैं, कोई विश है आपकी तो आपकी विश पूरी होगी। और क्षमा याचना पूजा के बाद अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। साधना करने के बाद, दुर्गा जी का जो भी पाठ आप कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, करने के बाद आपके घर में जो भी बड़े हैं, चाहे वो एक पर्सन हो चाहे दो हो, आप उनका साधना के बाद, पूजा के बाद जरूर चरण स्पर्श करिए, उनसे आप आशीर्वाद लीजिए। उससे भी आपके मार्ग की ब्लॉकेज जो होती है बहुत तेज़ी से हटती है, छटती है और आप आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह आप अपनी ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं और हीलिंग से बेनिफिट्स ले सकते हैं। और अगर आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, तब भी आप पिरामिड्स के बीच में कोशिश करिए, अपने बच्चे को सिलाइए, किसी की तबीयत लंबे टाइम से ख़राब चल रही है तो उस पर्सन को भी पिरामिड्स चारों तरफ लगा दीजिए। और कोशिश करिए अगर आपके पास अंतःकरण का चार्ट है तो उसकी हाइट के हिसाब से आप बिछा दीजिए अंतःकरण चार्ट पर, जैसे बेडशीट के नीचे बिछा दीजिए या कालीन पर आप सिलाए हुए हैं हीलिंग के लिए, तो एक हिस्सा उसका सिर का पड़ना चाहिए, दूसरा हिस्सा रूट चक्र का, तीसरा हिस्सा फुट सोल का, एड़ी जिसको बोलते हैं, जहाँ लेडीज पायल पहनती हैं, सोते समय उसके हाइट के हिसाब से आपको बिछा करके रखना है। और आप इसका चमत्कार देखेंगे, आप बोलेंगे कि मैं फर्स्ट हीलिंग से ही इसको बहुत ज़्यादा चेंज आया है। आप ऐसा करके देखिए, क्योंकि मेरे ऐसे हीलर्स को बहुत सारा बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो आप भी इस मेथड्स को यूज करिए और नवरात्रि पे अनलिमिटेड आपकी इच्छाएं पूरी हों, मेरी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, अभी आप सभी लोगों के लिए, कि जो भी नवरात्रि में कोई आपकी विश हो, आप जिस चीज़ के लिए भी हीलिंग कर रहे हो, कोई भी आपकी विश हो, वो आपकी विश समय से पूरी हो और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रेम से रहें, आनंद से रहें और आपकी हीलिंग से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आए, ये मेरी ब्लेसिंग है। थैंक यू, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट।